दोस्तों, तो आज के एपिसोड में अनुपमा और अनुज का हो गया है सामना। ये आप सबको देखने को मिलेगा। उससे अनुपमा जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती, शॉक हो जाती है और वो वहाँ से दौड़ के चली जाती है। और अनुज भी काफ़ी शॉक हो जाता है, दीपू जी काफ़ी शॉक हो जाते हैं। अनुज उसको अनुपमा को पकड़ता भी है, पर अनुपमा जो है वहाँ से दूर चली जाती है। और अनुपमा काफ़ी दुखी नज़र आती है, अपने आप से काफ़ी कंप्लेंट्स करती है, भगवान से कंप्लेंट्स करती है कि क्यों मेरी ज़िंदगी में उनको वापस लेकर आए। उधर मतलब मैं जीना सीख रही थी क्यों, और उधर मैं अपने आंसू पोंछती है, दुखी होती है। और अनुज जो है वो भी काफ़ी शॉक हो जाता है, और वो भी सोचता है कि मैं तो सीखी, मैं तो 5 साल पहले अनु तुम मुझे छोड़ के चली गई थी, जब भी मैं तुम मर गया था, मैं बड़ी मुश्किल से जी रहा था, क्यों तुम मुझे और छोटी को छोड़ के चली गई। ये सब चलता है। उधर श्रुति जो है वो वहाँ आती है और सोचती है किसी को भी ना पाके कि मीटिंग इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गई। तो और उधर अनुज काफ़ी जाके रोता है, कार में चिल्लाता है अनुपमा को देखने के बाद, तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। और अनुपमा भी चुपचाप एक जगह बैठ के काफ़ी रोती है, बहुत रोती है। दोनों एक दूसरे को इतने टाइम बाद देखते हैं तो दोनों ही बहुत ज़्यादा